करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के सेकंड चैप्टर का सेक्शन 3 हम देख रहे हैं, तो उसमें साइंस ऑफ सोल, तो इसको हम 6S में देख रहे हैं। पहला S क्या है, याद है किसको? पहला S क्या था हमारा? स्लेयर ऑफ डाउट, ओके ना। और सेकंड S, सेंसिटिविटी एंड सरेंडर, उसमें अर्जुन का सेंसिटिविटी का नेचर और किस प्रकार कृष्ण को समर्पित करता है हमने देखा। और भगवान अर्जुन जब कृष्ण को गुरु के रूप में ग्रहण करता है, अपना मन में जो डाउट है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको दूर करने की इच्छा प्रकट करता है, तब जनरली भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो पहला वर्ष लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था और बाकी थोड़ा हम पढ़े थे, आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। श्री भगवान वाचा अशोचानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाससे गतासुन गतासुं च शोचति पंडितः। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, While speaking learned words, we are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead body. तो इस वर्ष को लास्ट टाइम हम डिटेल्स में देखा था। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप तो ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी जैसे भावना आपके पास नहीं है। तो ज्ञानी का स्पेशल फीचर क्या है, किसको याद है? लास्ट टाइम मैंने बताया था, हु इज ज्ञानी? जिसको बॉडी और सोल के बारे में पता हो और कंट्रोल। ओके, और कुछ स्पेशल पॉइंट में बताया? दोज हु नाइदर आर मेड फॉर द लिविंग नॉर बीएससी, हां, दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंग्जायटी, जो चिंता नहीं करते हैं, वो कौन है? ज्ञानी है। और जो चिंता नहीं करते हैं वो मूर्ख भी ओके ना। तो मूर्ख व्यक्ति भी चिंता नहीं करते और ज्ञानी व्यक्ति भी चिंता नहीं करते। तो हमें कौन सा कैटेगरी माना है? ज्ञानी का कैटेगरी माना है। ओके, तो कहने का अर्थ है, और ये चिंता को दूर करने के लिए जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है, संसार का हर चिंता का निराकरण एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग में होता है। ओके, साइंस ऑफ सोल। तो आत्मज्ञान से ही आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान को छोड़कर पूरा शास्त्र का हर ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक जगत का भी हर प्रकार के ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी तो शांति असंभव जैसे। देयरफॉर पीस कैन ओनली बी ऑब्टेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ सोल, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए भगवान अर्जुन का आंसर देते हुए पहले लगभग 20 वर्सेस में आत्मा के बारे में ही बताता है। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन और कहां पे दिखेगा नहीं आपको आत्मा के बारे में? क्यों? इसका मूल कारण है कि समझाना है, और अंत में समझाने के पश्चात भी भगवान कहेंगे कि कोई कोई आत्मा के बारे में सुनता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, कोई आत्मा को देखने के लिए प्रयास करता है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो कहने का अर्थ ये समझना डिफिकल्ट है, बट प्रॉब्लम क्या है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, एंग्जाइटी फ्री हो नहीं सकते, इसलिए अत्यंत आवश्यक। इसलिए स्पेशल फीचर क्या है, गतासुन अगतासुन च नॉन सोचति पंडित। पंडित व्यक्ति जनरली जीवित के लिए और मृत के लिए दुखी नहीं होते हैं, सक्सेस और फेलियर में विचलित नहीं होते, लाभ और हानि में
अपना चित्त का प्रवृत्ति को बदलते नहीं, स्थिर रहते हैं, तो हर समय शांत रहते हैं। दे आर एग्जैक्टली पर्सन विद नॉलेज। इसका डिटेल से हमने देखा था। तो अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि जीवित के लिए और मुक्त के लिए रोते नहीं, ऐसा क्यों? कोई तो मर जाता है मतलब मर गया, कोई जिंदा है मतलब सामने है, तो सामने है तो निश्चित रूप से सुख मिलेगा, तो मृत्यु के पश्चात व्यक्ति तो चला जाता है तो दुख तो मिलेगा। ऐसा कैसे है कि जीवित और मुक्त के लिए रोते नहीं? इसका कारण है वर्ष नंबर 12 न त्वेव हम जातु नासम न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ट्रांसलेशन: नेवर वाज देयर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. तो यहां पर भगवान स्पेशल कहते हैं कि हे अर्जुन, आप अतीत में थे, ये योद्धाएं भी अतीत में थे, मैं भी अतीत में था, सब लोग वर्तमान में भी है और आगे जाके भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए कभी किसका विनाश होता नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो यहां पर ये इस वर्ष में भगवान किसका बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों? क्यों भगवान अतीत के बारे में बता रहे हैं और भविष्य के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये वर्ष शरीर के बारे में बता नहीं रहे। क्योंकि जब अतीत के बारे में बताते हैं तो इसका अर्थ क्या है? शरीर तो अभी ओके ना, तो अतीत में जो शरीर था वो नष्ट हो चुका है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? अतीत का शरीर नष्ट हो गया है, हमारा बालक शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान कहते हैं अतीत में भी आप थे, वर्तमान में भी आप हो और भविष्य में शरीर बना नहीं है, भविष्य का शरीर ओके ना, और भविष्य में भी आप रहेंगे, लेकिन भविष्य में शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए ये वर्ष क्लियरली बताता है क्या है, ये आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहा है। और चेंज क्या होता है? जनरली शरीर बदलता रहता है। तो साइंस जो बात कहता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? चेंजेस ऑफ 25 एलिमेंट्स और मेनली 5 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर ईथर एयर। ये जो 5 एलिमेंट का चेंजेस को ही साइंस क्या कहता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति का रूपांतरण साइंस कहता है। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके भीतर जो एनर्जेटिक है, इसका जिसको भगवान कहते हैं आत्मा जीवात्मा, उसका चेंजेस नहीं होता है। जैसे गाड़ी चलता है तो गाड़ी में चक्का घूमता रहता है, यू अंडरस्टैंड, चक्का का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन जो एक्सल है बदलता है नहीं, एक्सल स्थिर रहता है, लेकिन चक्का घूमता रहता है और आगे गाड़ी बढ़ता रहता है। वैसे ही ये जो चक्का इस यहां पर लेंगे एनर्जी शक्ति, शक्ति एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, लेकिन जो आत्मा है एक्सल है, आत्मा का कभी चेंजेस होता नहीं है। एक्सल निकल देंगे चक्का घूमेंगे नहीं घूमे, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर से जो आत्मा चला जाता है तो शरीर क्या है? नष्ट हो जाता है, शरीर का विकास नहीं होता, चेंजेस नहीं होता है ओके ना, शरीर का मृत्यु हो जाता है। चेंजेस होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, कि अभी थोड़ा दिख रहा है बाद में क्या है अदृश्य हो जाएगा ओके ना। तो इस प्रकार जनरली हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हु कैन अटेन परफेक्ट इटर्नल पीस, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हु कैन सी The supreme soul everywhere, he can attain the perfect peace. सबके हृदय में भगवान को देखना, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। तो कौन कौन यहां पर देखता है भगवान को सबके हृदय में? पहली बार कोई किसको देख रहा है? आज देखा किसको?
सब आपने आपको देखा है ना, इसमें से कोई बैठा है जो कि भगवान को देखा है एक दूसरे से देखा है? नहीं। अभी भावेश को मैं देखा, तो भावेश मुझे कैसे देखता है मालूम है? मुझे भावेश देखता तो पहला मैं उसको कुछ पूछता नहीं, पहला वो बताए प्रभु जी मैं पढ़ के आया है। ओके, तो भगवान को नहीं देखता है, बोल रहा है प्रभु जी कुछ तो पूछेंगे क्यों आया है। यू अंडरस्टैंड? तो हमें क्या देखना है? कृष्ण को देखना है। इसलिए हमारा कठोपनिषद में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहु नाम यो विदधाति कामा तम आत्मास्तम ये अनुपश्यति धीरा तेसाम शांति ही शाश्वतम न इतरेसाम। तो नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य है, इटरनल है। नित्यानाम मतलब आत्मा है। चेतना चेतना, तो भगवान सुप्रीम चेतना है कृष्ण, और आत्मा जो है चेतना है, सुप्रीम चेतना का अंश है चेतना नाम, बहुवचन है। एक बहुना, भगवान एक है लेकिन जीवात्मा क्या है? अनेक है। यो विदधाति कामा, वो भगवान क्या करते हैं? ये बहुना का जो इच्छा है पूर्ति करते हैं। तमात्मास्तम ये अनुपस्थित धीरा, धीर व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में उस भगवान को दर्शन करता है। तेषां शांति शाश्वतम न इतरेषां, तेषां शांतिं शाश्वतम, उसको ही शाश्वत शांति मिलेगा, इटर्नल पीस मिलेगा। केवल शरीर का दर्शन करेंगे तो इटर्नल पीस हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए या भगवान को याद करने के लिए ये एक प्रकार की अभ्यास है। तो प्रतिदिन कुछ वस्तु का आप भी देख रहे हैं तो शुभ थी कि ये भगवान का शक्ति है। ओके ना, भगवान का ये एनर्जी है। तो इस प्रकार जनरल हमें सोचना चाहिए। व्हाई इज देयर नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर ए वाइज मैन, इसका आंसर ये वर्स पे है। श्रवण जी, क्यों एक मूर्त व्यक्ति के लिए चिंता नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, उसका इंडिविजुअलिटी इज इटर्नल, कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन वो रहेगा वो गारंटी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे सामने जो है वही जिंदा है, हमारा सामने नहीं है मतलब क्या है? वो मुर्दा है और हम रोते हैं। बट इन रियलिटी क्या है? वो व्यक्ति पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये विचार को ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं? सुख से रहते हैं, चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। कभी कभी गांव से पहली बार कोई बच्चा जो मुंबई में आते हैं या शहर में आते हैं, तो उनके माता पिता गांव में, बच्चा जो घर से निकल के जाता है 20-25 साल के बाद, तो माता पिता रोते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके सामने से बेटा बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद शांत हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि वो मुंबई में है, कोई शहर में है, काम कर रहा है, पैसा भी भेज रहे हैं, फोन भी उठा रहा है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। तो पहले जो दुखी हो गए उसका कारण क्या है? अफेक्शन, कि बेटा सामने से जा रहा है। लेकिन बाद में शांति उनको प्राप्त हुआ, शांत हो गया मन, इसका कारण क्या है? उनको पता है कि बेटा बेटी है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ही आपको क्या करता है? शांत करता है। वैसे ही किस व्यक्ति का शरीर छूटता है, इसका अर्थ क्या है? वो कहां पर है और किस प्लैनेट में है, धरती पर वो कहां पर है कि और किसका घर पे वो पैदा हुआ रहेगा, इस प्रकार भी हो सकता है। तो ये समझ कर ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? शांत रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज मायावाद थ्योरी? इंडिविजुअलिटी इज ड्यू टू इल्यूजन। तो मायावादी थ्योरी, मायावाद मतलब एक थ्योरी नहीं, जो फिलोसोफर्स दार्शनिक क्या मानते हैं कि भगवान एक है, अद्वैत कहते हैं, दो नहीं, भगवान एक है, परमात्मा एक है। लेकिन परमात्मा जब माया के अधीन में आ जाता है वो आत्मा बन जाता है,
ओके ना, और संसार में चिंतित रहता है। तो परमात्मा का कुछ पार्ट जो माया से कवर हो जाता है वो जनरली क्या है, चिंतित रहता है, आत्मा उसको कहते हैं। लेकिन माया का कवर से जब अलग हो जाता है वो जनरली परमात्मा बन जाता है, इसको कहते हैं मायावाद फिलोसफी। मायावाद क्यों बताया गया, क्योंकि परमात्मा का कुछ अंश माया के अधीन में आ जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मायावाद कहते हैं। माया मतलब क्या है, असत्य, इल्यूजन। जब सत्य, परम सत्य जब असत्य के अधीन में आ जाता है वो दुख में आ जाता है, और उसको ही जनरली आत्मा कहते हैं। तो वो लोग एक एग्जांपल देते हैं, घटाकाश फटाकाश, ओके ना, घट मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मटका, घट बोलते हैं उसको। तो घट में भी बर्तन में भी आकाश रहता है ना, स्पेस से देख रहे हैं ना स्पेस, तो घर में भी स्पेस है, ओके ना। तो घटाकाश फटाकाश का एग्जांपल देते हैं, घट मतलब मटका, मटका के भीतर आकाश है और बाहर भी आकाश है, ओके ना। तो घटाकाश है वो क्या है, आत्मा है। तो बहुत सारा घट रहेगा, बहुत सारा मटक रहेगा, तो सबके अंदर स्पेस है ना, सब स्पेस अलग अलग है, इसलिए क्या है, वो सब एक एक आत्मा है। फटाकाश, वो मटका को फोड़ दिया हमने, ओके ना। तो आकाश कहां, किसके साथ एक हो गया, जो बाहर आकाश दिख रहा है उसके साथ एक हो गया वो फटाकाश। तो वैसे ही आत्मा भी घट में है, ये शरीर में, ओके ना, ये घटाकाश है, घटात्मा, लेकिन ये घटाकाश। और आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, शरीर जब नष्ट हो जाता है, कहां पे मिल जाता है, परमात्मा समझ जाता है, परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार जनरल मायावादी फिलोसोफर इस प्रकार बताते हैं। बट यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, न तु एव अहम् जातु नाशः, कि अर्जुन आप कभी, आपका कभी विनाश नहीं होता है, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, और ये सब योद्धा का भी कभी विनाश नहीं होता है, अतीत में थे, वर्तमान में भी, आगे में रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इंडिविजुअलिटी इटर्नल है। तो ये वर्स क्लियरली बता रहा है, कृष्ण एक अलग एंटिटी है, अर्जुन एक अलग एंटिटी है, और जो योद्धा है वो भी अलग एंटिटी है, शरीर के बारे में नहीं बता रहा, आत्मा ही अलग एंटिटी है, ओके ना। इसीलिए ये वर्स के अगेंस्ट में मायावाद फिलोसोफर है, मायावादी फिलोसफी है। इसलिए मायावाद जो फिलोसफी है ये इमेजिनेशन है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा मान लो माया के अधीन में आ गया, तो हु इज पावरफुल, माया और परमात्मा, माया। परमात्मा माया के अधीन में आ गया, माया के कंट्रोल में परमात्मा आ गया, तो हु इज पावरफुल, माया इज पावरफुल। देन हु इज गॉड, माया इज गॉड, माया इज गॉड मीन मतलब नो गॉड, लेकिन गॉड इज माया, तो ये संभव है। तो ये प्रमाण करता है कि मायावादी फिलोसफी जो है ये एक प्रकार की इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। समझ में आ गया, व्हाई इज इंडिविजुअलिटी ऑफ सोल मेंशन्ड इन द वर्स इज स्पिरिचुअल बट नॉट मटेरियल। तो जनरली मायावादी लोग क्या करते हैं, यहां पर जो भगवान बताते हैं ना, न तु एव अहम् जातु नाशः, कि आप अतीत में थे, अभी भी है, भविष्य में रहेंगे। तो मायावादी इसको क्या बोलते हैं, भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो शरीर में अतीत में था, अभी भी शरीर है, और आगे ये शरीर नष्ट होने के बाद शरीर का तत्व रहेगा ना, तो मायावादी शरीर को रेफर करते हैं वर्ष के साथ। बट भगवान शरीर का रेफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि लास्ट वर्ष में गाली ही दिया, गतासन गतासन च, है कि नहीं, कि जो मृत और जीवित के लिए कोई रोता ही नहीं। तो लास्ट वर्ष में भगवान ने शरीर का एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, जो ज्ञानी है आत्मा का एग्जिस्टेंस को देखता है। तो सेकंड वर्ष में शरीर के बारे में कैसे बताएंगे, फिर वो संभव नहीं। और आगे जाके भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा के बारे में ही बताने वाले। आगे जाके अर्जुन पूछेगा कि एग्जैक्टली क्या भविष्य में रहता है, आप थोड़ा मुझे बताइए, अतीत में क्या रहते हैं मुझे बताइए, अभी क्या है थोड़ा बताइए, तो देहिनो अस्मिन् यथा देह बताएंगे। तो ये प्रमाण करता है भगवान यहां पर क्या है, आत्मा के बारे में बात करते हैं, शरीर के बारे में बात नहीं करते। मान लो कोई कहेगा शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृष्ण की हालत क्या है, फिर कृष्ण भी एक शरीर है, तो कृष्ण अभी जीवित है, भविष्य में मर जाएंगे, तो
तो कृष्ण भी एक साधारण जीवात्मा जैसे हैं, अर्जुन भी साधारण जीवात्मा जैसे हैं, तो कृष्ण का गीता का वैल्यू क्या रहेगा? तो कृष्ण जो गीता बोल रहे हैं ये साधारण पुरुष इस प्रकार की बात नहीं कर सकता है, कुछ तो असाधारण तत्व है उनके पास, कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्तित्व है, इसलिए जनरली गीता का महत्व है। नहीं तो सब लोग जनरली गीता का एक प्रकार के एक्सपर्ट हो जाते थे और अपने आप को भगवान मानते थे, पर कृष्ण क्या है, यहां पर जो कृष्ण है उनका स्पेशलिटी उनका बर्थ से भी प्रमाण है, और अभी तक भगवान को 100 ईयर हो चुका है और उनके जीवन में जो लीलाएं किए हैं साधारण जीवात्मा कर ही नहीं सकता है। तो ये प्रमाण करता है कृष्ण का जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, मटेरियल नहीं, क्या है, स्पिरिचुअल। तो भगवान यहां पर स्पेशल कहते हैं मैं भी था अतीत में, मैं भी अभी हूं, आगे भी मैं रहूंगा। तो ये शरीर को रेफर नहीं करता है, ये किसको रेफर करता है, आत्मा को रेफर करता है। इस प्रकार आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। Who has no access to great literature like Bhagavad Gita? रूपा जी पढ़ लिखते हैं। तो भगवद गीता को कौन समझ नहीं सकता है? जो व्यक्ति कृष्ण को ईर्ष्या करता है वो गीता को समझ नहीं सकता है। गीता को समझने के लिए पहला क्वालिफिकेशन एटलीस्ट क्या है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो कृष्ण को जो भगवान के रूप में ग्रहण करता है वही गीता को समझ सकता है, वही व्यक्ति गीता के बारे में ठीक ठीक बता सकता है। इसलिए मार्केट में जितने भी फिलोसोफर दिख रहे हैं, जैसे कि आचार्य प्रशांत हो, सदगुरु हो और बाकी जो भी हो, वो लोग गीता के बारे में बताते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सामान्य पुरुष के रूप में ग्रहण करते हैं। जब यशोदा माई कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देखते हैं तो आचार्य प्रशांत क्या बताता है मालूम है? वो कहता है ये कृष्ण का क्रेडिट नहीं है, ये यशोदा माई का विजन है। उसका विजन ऐसा है कि ये छोटा सा बालक का कृष्ण का मुख में भी ब्रह्मांड को देख सकता है। वैसे आप इतना आपका विजन ऐसा एक्सपांड कर सकते हो कि हर व्यक्ति के मुख में आपको ब्रह्मांड दिखेगा। वो क्या है, आचार्य प्रशांत। नहीं, मेरे हिसाब से तो आचार्य प्रशांत नहीं है, वो प्रशांत का आचार है। आचार बना रहे। तो कृष्ण का महानता है, वो विजन भी देते हैं ब्रह्मांड भी दिखाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दो जो आर एनवियस दे कांट अंडरस्टैंड कृष्णा। और स्पेशल प्रभुपाद जी अनेक पॉइंट में बता रहे किसका बात को आपको ग्रहण करना है। इस संसार का कोई साधारण व्यक्ति का जो बात है, दर्शन है, आर्गुमेंट है, ओपिनियन है, उसको ग्रहण करना है या कृष्ण का ओपिनियन को ग्रहण करना है? तो गीता में आगे जाके भगवान स्वयं बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबका उद्गम, मेरे से सब कुछ आया है, सरेंडर अनटू मी। तो उनका आइडेंटिटी स्पेशल है, गॉड है। तो आप किसको ग्रहण करेंगे, कृष्ण को ग्रहण करेंगे या संसार का कोई साधारण व्यक्ति का वाणी को ग्रहण करें, यह आपका चॉइस है। इसलिए प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जिस प्रकार कोई हनी का बटल है, ओके, और कोई बाहर से उसको चाटे तो उसको हनी का टेस्ट मिलेगा नहीं। तो वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण को मानता नहीं है लेकिन गीता के ऊपर बात करता रहता है तो उसको जनरली कृष्ण प्रेम का टेस्ट नहीं मिलेगा, केवल चाटता रहेगा, सोचता रहेगा मैं हनी चाट रहा हूं, ओके ना। बाद में कांच फूट जाएगा तो क्या होगा, जीव कट जाएगा, ओके ना, पेन होगा, इट्स लाइक दैट। सिमिलरली ये जो मायावादी लोग में भविष्य में दे विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट्स लाइक दैट। हु हैज लॉस्ट ऑल पावर टू अंडरस्टैंड द रियल मिस्ट्री ऑफ गीता? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी फिलोसोफर्स, दे लॉस्ट ऑल पावर टू अंडरस्टैंड। तो ये जो वर्ष है, ये वर्ष को समझ कर कि हमारा जो अस्तित्व है वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, अतीत में था, ये समझ कर हमें जनरली फियरलेस रहना चाहिए, भय से मुक्त होना चाहिए। तो भय का कारण क्यों है, भय का कारण क्या होता है, कुछ हम खो देंगे, वो भय का कारण है। लेकिन
जो है ही नहीं उसको खो देंगे तो भय किधर है? ओके ना, तो ये शरीर है एक्जैक्टली शरीर क्या है, हर पल चेंज होता रहता है, इसका अस्तित्व तो स्थिर नहीं है। अभी आप यहां पर बैठे हैं ना, अभी ये शरीर चेंज हो चुका है, हाँ अभी चेंज हो चुका है, हमें हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनरली क्या करते हैं, इस शरीर के लिए रोते हैं। ये शरीर कैसा है, मैं स्पेशल आपको बताता हूं। जैसे कि हमारा शरीर के ऊपर, उंगली के ऊपर नाखून बढ़ता है, ओके ना, नाखून क्या है, क्या है, डेड है, लेकिन उंगली के ऊपर बढ़ता है। वैसे बाल सर के ऊपर बढ़ता है, बाल क्या है, डेड है। तो शरीर के ऊपर नाखून बढ़ता है या बाल बढ़ता है, वैसे ही आत्मा के ऊपर शरीर बढ़ता है और कुछ नहीं। तो आत्मा रहेगा तो शरीर का ग्रोथ होगा। तो शरीर का एग्जिस्टेंस कब तक है, जब तक सोल है, जब सोल छोड़ देता है शरीर चला जाता है। तो ये जो शरीर है ये आत्मा का एक नाखून जैसे और बाल जैसे, ओके ना। तो हम बाल काटने में रोते हैं नहीं, हम हेयर स्टाइल बनाते हैं काट के कहते हैं कि एक स्टाइल है। वैसे नाखून कट जाते हैं तो रोते हैं नहीं, लेकिन नेल पॉलिश लगाते हैं और नाखून को ऐसा बड़ा बड़ा करते हैं। कितना कितना ऐसा नाखून भी, जिसका नाखून 3 फीट 4 फीट 5 फीट वाला नाखून लेके लोग घूमते हैं, ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करते हैं, इस प्रकार भी देखा गया है। लेकिन नाखून मान लो कट जाता है, रोते हैं आप नहीं, आपको काटते हो। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर कुछ नहीं, नाखून जैसे डेडी, और ये आत्मा के ऊपर इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। इसलिए जब जैसे कि नाखून कटता है और बाल कटता है तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं, वैसे ही शरीर का हानि और लाभ में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। दैट इज द पॉइंट, अपना शरीर और दूसरे का शरीर नहीं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, प्रभु जी ने बोले हानि और लाभ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसको ही काट देता हूं, ओके ना, ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, हु इज मूर्ख एंड हु इज पंडित, बताओ आप एक स्पेशल डेफिनेशन, हु इज पंडित, हु इज पंडित, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, ओके। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पंडित बंध मोक्षाय विद्धि, पंडित कौन है, ए वाइज मैन हु नोज द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बंडेज, ही इज वाइज मैन। पंडित कौन है, जो जानता है बंधन से कैसे मुक्त होता है, वो जनरली पंडित है, एजुकेटेड, पंडित बंध मुख्य वित्त। और मूर्ख क्या है, जो स्वयं को अपना शरीर ही मानता है, वो कौन है, मूर्ख। तो संसार में कितने लोग मूर्ख हैं, पूरे संसार में लगभग मूर्ख है, इस प्रकार की डेफिनेशन आप ले गए, सब लोग क्या है, अपने आपको शरीर ही मानते हैं। इसलिए जनरली क्या है, पंडित मतलब एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड एंड सोल इज नॉट इम्पर्सनल बट पर्सनल, क्यों, क्योंकि यहां पर भगवान क्या कहते हैं, सर्वे वयम अतः परम, और यहां पर जो सर्वे, सब लोग जो है अतीत में थे, अभी भी है, भविष्य में भी रहेंगे, इंडिविजुअलिटी उनका इंटरनल है। तो इंडिविजुअलिटी इंटरनल का अर्थ क्या हुआ, पर्सनैलिटी, नहीं तो इंडिविजुअलिटी आया कहां से, निराकार का, तू एक निराकार मैं एक निराकार, ऐसा नहीं होगा। निराकार मतलब क्या है, उसका पर्सनैलिटी है ही नहीं, जैसे हवा निराकार है, ओके ना, तो हवा का इंडिविजुअलिटी ही नहीं। बट यहां पर आकार का ही जनरली आप बहुत आकार को ही आप बता सकते हैं कि वो सनातन है, निराकार सनातन है, इस प्रकार नहीं, आकार भी सनातन हो सकता है। और यहां पर भगवान स्पेशल क्या कहते हैं, जो आकार है आपका रूप पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जो इंडिविजुअलिटी सनातन है। तो इसलिए गॉड इज नॉट इम्पर्सनल, गॉड इज पर्सनल, ये हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो जनरली भारत में ज्यादातर लोग गॉड को इम्पर्सनल मानते हैं, क्यों मानते हैं ऐसा, उसका मेन कारण है कि ये शरीर बहुत दुख दे रहा है,
रूप अधिक दुख दे रहा है, प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए इमेजिनरी थ्योरी लोग निर्माण करते हैं, अरूप में सुख है, रूप में दुख है, इसलिए अरूप में क्या है, सुख है। पर्सनैलिटी में दुख है, पेन है, इसलिए इम्पर्सनैलिटी में क्या है, सुख है। इस प्रकार एक इमेजिनरी आइडिया देते हैं, बट इम्पर्सनल में कैसे सुख मिलेगा, कुछ सुख है उसमें, आपको लग सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आपके पास पर्सनैलिटी नहीं, व्यक्तित्व ही नहीं, सुख का अनुभव कर सकते नहीं। Therefore, there is a spiritual body, a spiritual form, spiritual senses, or spiritual enjoyment. It's like that. तो ये जो संसार है, ये संसार का enjoyment क्या है? मल है। और एक संसार है, उस संसार का enjoyment क्या है? निर्मल है। तो निर्मल enjoyment को spiritual enjoyment कहते हैं, और मलिन enjoyment को क्या कहते हैं? Material enjoyment कहते हैं। Understand? तो जिस प्रकार मैं सच सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे सुअर है, वो मल में आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य निर्मल में आनंद लेते हैं, ठीक है ना? तो निर्मल का एक एंजॉयमेंट है, लेकिन सुअर बोलेगा मल का आकार है, इसलिए निर्मल क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि वेराइटी सब मल मैंने देखा है, अमेरिकन मल, इंडियन मल, लेकिन जापानीज मल सब देखा है मैंने, सबका रूप है, कलर अलग है, फ्रेग्रेंस अलग है, टेस्ट अलग है, इसीलिए संसार में मल में मजा नहीं है, लेकिन निर्मल में, निर्मल मतलब निराकार, ऐसा है नहीं, निर्मल का भी आकार है, रसगुल्ला का आकार है ना, गुलाब जामुन का भी आकार है ना, लेकिन बटाटा वड़ा का भी आकार है, तो ये निर्मल का भी एंजॉयमेंट है, वैसे ही जो स्पिरिचुअल कहा जाता है उसका भी एक फॉर्म, लेकिन वो निर्मल फॉर्म है, निर्मल मतलब जिसमें कि दुख नहीं है, जो कि भौतिक इंफीरियरिटी से ऊपर है, दैट इज एक्चुअली क्या है, निर्मल है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं। तो अर्जुन आप क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है आप क्या बोल रहे हैं, भविष्य में भी रहेगा, अतीत में भी था, अभी भी है, एक्चुअली वो क्या है, दैट इज वर्स नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः हीरस्तत्र नमो इहति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो भगवान यहां पर कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देह मतलब जीवात्मा, देह के भीतर जीवात्मा जैसे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से, बालक अवस्था से तरुण अवस्था में आता है, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में आता है, तथा देहांतर प्राप्ति, ठीक उसी प्रकार शरीर को त्याग करके अन्य एक शरीर में प्रवेश करता है, धीरस तत्र न हुई, धीर व्यक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति जो इस सब चीज को जानता है, आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन को समझता है, अनुभव करता है, धीर तत्र न हुई, वो व्यक्ति चिंतित नहीं। तो भगवान जो कहते हैं मृत्यु और जीवित के लिए दुखी होना नहीं चाहिए, वो किसके बारे में बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आपका जो भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आएगा उसमें, व्हाई इज देयर नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर ए वाइज मैन, सेम क्वेश्चन बार बार जनरल आप देखेंगे, आंसर डिफरेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला था क्या है, जो जानता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और भौतिक जगत क्या है, मैटर स्पिरिट एंड सुप्रीम स्पिरिट, वो चिंता नहीं करता। सेकंड आंसर क्या था, इंडिविजुअलिटी रहेगा इसीलिए चिंता नहीं करता। अब थर्ड आंसर, व्हाई देयर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर ए वाइज मैन, क्यों, उसका क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि उसका नेक्स्ट बर्थ है मटेरियल या स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, लिबरेशन होगा, नहीं तो एक मटेरियल बॉडी मिलेगा,
इसलिए चिंता मत करो, ओके ना, दैट इज द पॉइंट. व्हाई शुड अर्जुन नॉट लेमेंट फॉर भीष्म एंड द्रोण? तो अर्जुन का चिंता है, ठीक है बाकी ये दुर्योधन दुशासन को मार दूंगा, लेकिन भीष्म और द्रोण जैसे महान व्यक्ति को कैसे मार सकता है? तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, ये लोग अच्छे लोग हैं, नोबल पर्सनैलिटी से, और शरीर छोड़ने के पश्चात उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, ओके ना. उनका अभी जनरली किडनी हो, एक ना लिवर हो, हार्ट हो, थोड़ा वीक हो गया रहेगा, बुढ़े हो गए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में एक प्रकार की तरुण अवस्था, तरुण शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, और स्वर्ग का शरीर प्राप्त हो सकता है, डिवाइन शरीर प्राप्त हो सकता है. इसलिए आप चिंता मत करो. तो भगवान क्या बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? तो गीता जो कहता है कि शरीर का छूट जाने से भी चिंता नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? लास्ट टाइम भी बताया था, शरीर छूटने का भी चिंता नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ यह है संसार में बाकी चीज के लिए चिंता क्यों करनी है? दिस इज द पॉइंट. शरीर का छूटने के लिए आपको चिंता नहीं है, तो बाकी चीज छूटने के लिए चिंता करेंगे? हम लोग किसको बचाना चाहते हैं जनरली? शरीर. आपके पास चॉइस दिया गया है, क्या आप स्मार्टफोन को बचाना चाहते हो या आपका शरीर को बचाना चाहते हो? तो क्या कहोगे? आजकल लोग बोलेंगे स्मार्टफोन बचने दो. शरीर को हम चाहेंगे. तो भगवान यहां पर अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं कि शरीर छूट जाएगा तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ है दुनिया में कुछ भी हो जाए चिंता करने की आवश्यकता नहीं. कुछ भी छूट जाए, कोई भी संबंध खराब हो जाए, कितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, कितना भी पावर पोजीशन चला जाए, कितना भी बड़ा इंसल्ट हो जाए, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ओके. क्योंकि ये सब जो मान सम्मान, फाइनेंस, धन संपत्ति, पावर पोजीशन, रिलेशनशिप किसके साथ कनेक्टेड है? शरीर के साथ कनेक्टेड है, जीवात्मा के साथ ही कनेक्टेड है ही नहीं. आप जिसको बोल रहे हो ये कि मेरा बाप है, ओके ना, कल नेक्स्ट लाइफ में वो पाकिस्तान में आतंकवादी बन के आ सकता है और आपको मार सकता है. वो बाप जो कि आपका जीवन को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, नेक्स्ट लाइफ में आतंकवादी बन के आपको ही मार देगा. तो वेरी तो क्वेश्चन, क्या है रिलेशन? कुछ है नहीं, ये शरीर का खेल. तो ये हमें समझना चाहिए, इसलिए शरीर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं. हु इज धीर? जो व्यक्ति शरीर का चेंजेस में चिंतित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं भगवान? धीर कहते हैं. और मान लो कि आत्मा को विश्वास भी नहीं कर रहा है, फिर भी शरीर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में पंचभूत से नया शरीर मिलने वाला. तो हमारे गांव में बचपन से मैं देखा है जो एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम बर्तन, तो जल्दी वो खराब हो जाता है, ओके ना. तो उस बर्तन को नया बनाने के लिए गांव में लोग आते थे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर पे खराब जो एल्यूमिनियम बर्तन को लेते थे उस व्यक्ति के पास, उस बर्तन को पिघलाता था और नया एक बर्तन बना के देता था. तो हम लोग खुशी खुशी वहां पे देखते थे क्या कर रहा है, कैसे पिघलता है, लेकिन और कैसे सेफ देता है. देख मुझे अभी भी याद है, जो कि 7-8 साल हुआ रहेगा देखा रहेगा, लेकिन नया बर्तन लेके घर पे आता, अरे नया रहे, पुराना लेके गए और नया ले, तो मजा ही मजा है ना. तो वैसे ही शरीर है, ये पंचभूत से शरीर बना है, ओके ना. मृत्यु मतलब क्या है? पुराना शरीर गया है, और ये सब संसार के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से, और जितना भी मटेरियल है पंचभूत का जो अस्तित्व है, मिट्टी मिट्टी में मिलेगा, पानी पानी में मिलेगा, वायु वायु में मिलेगा, आकाश आकाश में मिलेगा, अग्नि अग्नि में मिलेगा, और बाद में क्या बनेगा? नया बर्तन बनेगा, एक नहीं नया रूप मिलेगा, शरीर मिलेगा, वो घर पे लेकर आए तो और मजा आएगा. तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि शरीर के लिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं. व्हाट इज मायावाद थ्योरी ऑफ वननेस? तो मायावाद एक थ्योरी बताते हैं, वो कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही. पहले पॉइंट में बताया घटाकाश घटाकाश, अभी यहां पर वननेस, एक है, अलग नहीं हो. क्यों? वो कहते हैं कि परमात्मा कैसे, परमात्मा का कैसे विभाजन हो सकता है?
परमात्मा को भी टूट नहीं सकते। सामान टूट गया ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का एक पार्ट टूट के गिर गया ठीक है, गोल्ड का एक पार्ट टूट के गिर गया ठीक है, परमात्मा का ही पार्ट गिर गया ऐसा नहीं होता, ये कभी भी नहीं होगा। ओके ना, परमात्मा कभी टूटते ही नहीं, उनका विभाजन होता ही नहीं, तो इसीलिए परमात्मा एक ही है। आत्मा विभाजन हुआ करके सिर्फ दिखता है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं। इसको कहते हैं थियोरी ऑफ वननेस, एकत्ववाद और अद्वैतवाद कहते हैं उसको, ठीक है ना। दो नहीं, दो ही तो मतलब, तो हमारा जो फिलोसफी है रियल फिलोसफी है कृष्णा, दो ही तो वाद, जीवात्मा अलग है और भगवान अलग है, जीवात्मा भगवान का अंश है। लेकिन अद्वैतवाद वननेस में क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। माया के कारण हम सोचते हैं कि हम आत्मा है परमात्मा अलग है, इस प्रकार वो विचार करते हैं। बट ये जो थियोरी है रॉन्ग है, ये जनरली राइट नहीं है। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं, इट्स कन्फर्म्ड इन गीता द फ्रेगमेंटल पोर्शन ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्ट इटरनल, भगवान के जो अंश है वो सनातन है, ये अंश बना नहीं है। जैसे भगवान इटरनल है, उनका अस्तित्व सनातन है, वैसे आत्मा का भी अस्तित्व सनातन है। डिफरेंस इतना ही है, आत्मा भगवान के ऊपर डिपेंड करता है और भगवान आत्मा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आकाश में आप देखेंगे, सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारा भी है, सब लोग है, लेकिन चंद्र का जो प्रकाश है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा इंटरनली है, बट आत्मा किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेगा तो उसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, और परमात्मा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, मटेरियल लाइफ, और कुछ नहीं। मटेरियल लाइफ मतलब क्या है, सूर्य से चंद्र अलग हो गए, मतलब सूर्य चंद्र बोला कि तेरा किरण मुझे नहीं चाहिए रे, जा जा, इसका अर्थ क्या हुआ, अंधेरा है, डार्क बन गए। तो वैसे ही जब हम कहते हैं भगवान तो नहीं चाहिए, जा जा, इसका अर्थ है मटेरियल लाइफ बना गया। लेकिन भगवान के साथ जब कनेक्शन में रहेंगे, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी लिखते, व्हाट इज थियोरी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आकाश में सूर्य चंद्र है, लेकिन पानी में इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो पानी में जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो क्या है, एज ए रिफ्लेक्शन दैट इज सत्य, लेकिन रिफ्लेक्शन को रियल रियल हम मानेंगे, दैट इज क्या है, मिथ्या। तो वैसे ही शरीर क्या है, एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है वो रियलिटी, जो आकाश में तारा है वो रियल है। ओके ना, जो पानी के भीतर जो तारा और चंद्र सूर्य देख रहे हैं वो क्या है, अनरियल है, असत्य है, रिफ्लेक्शन है। वैसे ही आत्मा परमात्मा रियल है, लेकिन शरीर एक क्या है, रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं। तो दिस इज एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स लाइक दैट, शरीर अनरियल है, तो असत्य नहीं है, ये क्या है, अनरियल है। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं, जगत सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और परमात्मा आत्मा सेम है, जगत क्या है, मिथ्या है। तो एक बार शंकराचार्य ने, जो कि ये फिलोसफी का स्प्रेड किए, प्रचार किए, भगवान शिव जी का अवतार है और भगवान के आदेश के अनुसार ही ये फिलोसफी को प्रसार किए हैं, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लेकिन लोगों को टेस्ट करने के लिए। तो एक बार शंकराचार्य जी उनके शिष्य के साथ एक वन में जा रहे थे, अचानक बाघ उनके पीछे पड़ा, तो शंकराचार्य डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बाकी शिष्य भी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो उनका एक शिष्य उनको पूछता है कि भगवान आप तो बोल रहे थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो बाघ भी मिथ्या है कि नहीं, तो आप डर के ऊपर क्यों चढ़ गए, ना मैं डर के जो ऊपर चढ़ा वो भी मिथ्या है यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसको कहते हैं जगत सत्य, ए ब्रह्म सत्य जगत में, एक इमेजिनरी थ्योरी है, एक समय के बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए, भारत से बुद्धिज्म को हटाने के लिए और वैदिक शास्त्र को एस्टेब्लिश करने के लिए शंकराचार्य ने ये कार्य किया है। ओके,
आगे मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है, कभी हम देखेंगे। बट दी आपको पता चल गया कि जो जीवा थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और थ्योरी ऑफ वननेस क्या, अद्वैतवाद द्वैतवाद के भीतर डिफरेंशिएशन पता चला। तो व्हाट इज अद्वैतवाद? जो एक मानते हैं, एक मानते हैं आत्मा परमात्मा, उसको क्या कहते हैं? इज इट राइट और रॉन्ग? व्हाट इज राइट? द्वैतवाद, भगवान और आत्मा अलग है, परमात्मा आत्मा अलग है, दैट इज द्वैतवाद। ओके, तो धीर धीर सूत्र नमोयति, तो धीर मतलब जो व्यक्ति ये सब जानता है। और कैसे जानेंगे हम आत्मा परमात्मा के विषय में, कैसे समझ में आएगा? शास्त्री एग्जाम देंगे लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। तो ह्यूमन लाइफ इज गिवन फॉर स्टडी, स्क्रिप्चर, गीता। स्टूडेंट लाइफ इज फॉर व्हाट? स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन नहीं नहीं साइंस, दैट इज स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको स्टडी साइंस का स्टडी करना चाहिए, उधर जाके एंजॉयमेंट करेगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा ना। वैसे ह्यूमन लाइफ में किसका स्टडी करना चाहिए? स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी करना चाहिए। स्पिरिचुअल साइंस स्टडी नहीं करेंगे हम, एंजॉयमेंट करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएगा, दैट इज फेलियर ऑफ लाइफ। तो आपने बहुत स्टडी किया है साइंस, ओके ना, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को स्टडी नहीं कर रहे, मतलब हम उन्हें फेल हो चुके हैं। अंत में एग्जाम होगा ना, डेथ इज ए एग्जामिनेशन, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा, भक्ति शास्त्री देना पड़ेगा एग्जाम, वो भी ओपन बुक, दैट इज इजी। देयरफॉर स्टूडेंट लाइफ मींस स्टडी, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ह्यूमन लाइफ मींस स्पिरिचुअल स्टडी, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। एंजॉय लाइफ एज ए नीड, not as a goal. Remember this one. Enjoy life as a need, not as a goal. तो हमारा ये goal नहीं है enjoyment. Generally संसार में enjoyment को लोग goal बना दिया है, तो ये हमारा भूल है। इसलिए enjoyment की आवश्यकता है, but ये need है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। तो जीवन का लक्ष्य को sacrifice करके एंजॉय करना, दैट इज एग्जैक्टली फुलिशनेस। तो एंजॉयमेंट को छोड़ना नहीं है, बट एंजॉय इट एज ए नीड, नॉट एज ए गोल, ओके ना। कभी कभी यू कैन सेक्रीफाइस योर एंजॉयमेंट टू अचीव योर गोल, दैट इज स्टूडेंट। द सेक्रीफाइस एंजॉयमेंट, रात रात भर सोते नहीं, पढ़ते रहते हैं, मूवी देखना छोड़ते हैं, वो भी ना टाइम पास करना छोड़ते हैं, क्यों? गोल के लिए जीते हैं। तो एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, लेकिन एनलाइटनमेंट को छोड़ के नहीं। तो वी नीड एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम वी नीड एनलाइटनमेंट, बट डोंट सेक्रीफाइस योर एनलाइटनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। समटाइम्स यू कैन, समटाइम्स कैन, एवरी टाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस एंटरटेनमेंट फॉर एनलाइटनमेंट। तो अर्जुन अभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है आत्मा का विनाश नहीं होता है, शरीर नश्वर है, लेकिन कोई मर जाता है तो दुख होता है ना, थोड़ा तो पेन होगा, हानि लाभ होता है तो थोड़ा पेन होता है, सक्सेस फेलियर में थोड़ा पेन होता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे बताओ? दैट इज वर्स नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्णा सुख दुःखदा, अगामपायिनः नित्यः, तामतितीक्ष्य स्वभारत। ट्रांसलेशन। ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड देयर डिसअपीयरेंस इन ड्यू कोर्स आर लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. This is very, very important verse for our life.
लास्ट टाइम ये अभ्यास किया था, इसको याद है? बस याद रहे नहीं रहे, टॉलरेंस करना, ओके ना? टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट टॉलरेंस. हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल विदाउट टॉलरेंस, ओके ना? देयरफॉर टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो भगवान संसार में सोल्यूशन देते, पूरा गीता में ये एक सोल्यूशन है. बाकी गीता का जो नॉलेज है, टॉलरेंस करने के लिए आपको पावर देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, क्लैरिटी देगा, लेकिन अंत में करना है क्या है? टॉलरेंस, टॉलरेट ही करना है आपको. देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो भगवान क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट का जो मिलन होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? सुख और दुख उत्पन्न होता है. हैव क्लियर? सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं क्या बनता है? सुख, दोनों बनता है. हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? सुख ही बनता है. इसलिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं. बाद में थापड़ मिलता है तो प्रभु जी याद आते हैं. ओके ना, प्रभु जी सही बोल रहे थे, मैं सोच रहा था सुख ही मिल रहा है, अभी दुख भी मिल रहा है. सुख और दुख दोनों मिलते हैं. इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुख का. और शीत उष्ण जैसे है, कभी ठंडी है कभी गर्मी है, कभी मजा है कभी सजा है, कभी आनंद है कभी निरानंद है, कभी मन प्रफुल्ल रहता है कभी फ्रस्ट्रेटेड रहता है. तो ये शीतोष्ण जैसे नेचुरल है, ये नेचुरल टेंडेंसी है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, नेचुरल रिजल्ट है. इसलिए शीतोष्ण का एग्जाम्पल देते हैं. तो गर्मी और ठंडी को आप कंट्रोल कर पाएंगे, रोक पाएंगे, तो क्या करेंगे? सहन करेंगे, एडजस्ट करेंगे. क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. देयरफॉर जनरली एक फॉर्मूला याद रखिए, व्हाट इज एंजॉयमेंट? एडजस्टमेंट इज एंजॉयमेंट इन लाइफ. इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, एडजस्ट योरसेल्फ एवरीवेयर. At your home, at your office, and while traveling also in the train. Adjust. कोई बोला थोड़ा adjust कर लेना, adjust. उससे ही मैं देख सिखाया है. Adjustment means enjoyment. Adjustment मतलब क्या है? जहाँ पे बैठने का जगह ही नहीं है, दो जन बैठने वाले हैं, वहाँ पे तीसरे को बिठाना, चौथे को बिठाना, उसको क्या कहते हैं? और उसको ही क्या कहते हैं? एंजॉयमेंट. अदरवाइज एंजॉयमेंट नहीं. वैसे फैमिली में भी एडजस्टमेंट करके रहना है. एडजस्टमेंट आप नहीं कर पा रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट गारंटी. वेयर देयर इज एडजस्टमेंट, वी एक्सेप्ट एडजस्टमेंट हैप्पीली, देन दैट इज एंजॉयमेंट. इफ यू फेल टू एक्सेप्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट. और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? विदाउट टॉलरेंस यू कांट डू एडजस्टमेंट. ये मेन फॉर्मूला. तो विदाउट टॉलरेंस आप एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते. आराम से बैठा था, प्रभु जी आ गए, है कि नहीं? तो एडजस्ट करना पड़ेगा. तो आपको तो थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन एक जन को आप क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो. दैट इज एग्जैक्टली लाइफ. इस प्रकार हमें जीना चाहिए. अगाम अपायिन हो अनित्य, ये आता रहता है जाता रहता है, सुख आएगा दुख आएगा. और अनित्य इटरनल, इसलिए इटरनल नहीं है, टेम्पररी. तो भगवान अनित्य न पर बोलते, आत्मा इज नित्य बट द शरीर इज क्या है? अनित्य. और शरीर के साथ जो सुख दुख कनेक्शन है वो भी क्या है? अनित्य. इसलिए नित्य को, अनित्य का नेचर को समझना चाहिए. और नित्य जो इटरनल सोल है, अनित्य को समझ कर जनरली टॉलरेंस करना. ये संसार में हम कुछ करने के लिए नहीं आए. ये संसार में क्यों आए हैं? संसार को छोड़ने के लिए आए, संसार में रहने के लिए नहीं आए. तो ये भावना जो है मन से निकाल दीजिए कि संसार में कुछ मुझे करना है, तोड़ फोड़ कुछ करना है. संसार में कुछ नहीं करना है, संसार को छोड़ने के लिए संसार में हम आए हैं.
जब ये व्यक्ति समझ जाता है फिर संसार का दुख किधर है, जिसको छोड़ना है उसके लिए हम दुख करते हैं। जब आप पता चल जाते हैं मुझे छोड़ना है तो आप एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज आप अटैच्ड रहते हैं, ठीक है ना। ट्रेन में आप जाते हैं ना तो एक दूसरे को सीट दे देते हो, क्यों दे देते हो आप? स्टेशन आने वाला है, मुझे भी उतरना है। तू बैठ जा, तू बैठ जा, थक गया थोड़ा, साथ में बैठते हैं। छोड़ना है आपको पता है, ये मेरा नहीं, ये छोड़ना है। हम ट्रेन में चढ़ते हैं क्यों? रहने के लिए नहीं, चढ़ने से पहले डिसीजन क्या लेते हैं हम, छोड़ना कहां पर है इसको। छोड़ने का डिसीजन लेके हम ट्रेन में चढ़ते हैं। कोई मान लो डिसीजन लिया है ही नहीं है छोड़ने का, ट्रेन में वो चढ़ गया है, बुद्धिमान है। तो हमारा अवस्था ऐसी, हम ट्रेन में चढ़ गए और हमें पता नहीं कहां पे उतरना है, छोड़ने का इच्छा ही नहीं होता है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। इसलिए अनित्य को समझो, टेम्पररी जो नेचर है उसको समझो, ये नित्य को उतर जाना है अनित्य का ट्रेन से, सीट से, संसार का अटैचमेंट से। इसलिए संसार में जो सुख दुख मिलता है उसको सहन करें। क्यों करेंगे सहन? सुख के लिए। इस संसार में भी सुख चाहिए तो सहन करना पड़ेगा। ताम तिथि भारत, इसलिए तिथि मतलब सहन करना। हे अर्जुन अब सहन कर, थोड़ा पढ़ पढ़ देखते हैं। व्हाट शुड वन डू फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, क्या करना पड़ेगा प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। प्रॉपर जो प्रॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं डिस्कशन करता हूं। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब क्या नहीं कर पाएंगे तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, अब टॉलरेंस नहीं कर पाएंगे तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, पाप ही करेंगे। जो कर्तव्य करना है आपको और भक्ति भी करना है तो क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। जो व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पाता ड्यूटी नहीं कर पाता, अपना कर्तव्य को नहीं निभा पाते, सामाजिक हो या आध्यात्मिक। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वन हैज टू लर्न टू टॉलरेट नॉन परमानेंट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो अर्जुन अब ड्यूटी नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है? अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब सहन नहीं कर पा रहे अपना संबंधियों का मृत्यु को। तो मृत्यु को सहन करेगा तो ड्यूटी कर पाएगा, और मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहा है इसलिए क्या बोल रहा है मैं युद्ध। युद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मारने के लिए भी सहन चाहिए, लेकिन नहीं मारने के लिए भी सहन करना पड़ेगा। तो मरने के बाद सहन करना है तुमको, लेकिन दूसरा कोई नहीं मार रहा है, तुमको ही मारना पड़ेगा, इसलिए सहन करना पड़ेगा। अपने जो बनाया है ना उसको ही मिटाना है आपको, आपको जिसके साथ अटैचमेंट है उसको ही छोड़ना है। डिफिकल्ट, आपके पास अटैचमेंट नहीं है छोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन नहीं गवर्नमेंट का व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया चलेगा, आपका ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया चलेगा नहीं, अटैचमेंट। इसलिए अटैचमेंट को मारना आसान नहीं। वैसे अर्जुन के लिए युद्ध नहीं करना है भी टॉलरेट करना ही पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि बिना राज्य से उसको जीना है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, भिखारी जैसे रहना है, भीख मांग के जीना है, राजा होके भीख मांग के जीना है। ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 13-14 साल का, ओके ना, जी पाएंगे, बट इतना आसान नहीं पूरा जीवन जीना है। लेकिन साथ साथ समाज के लिए भी ड्यूटी है ना, उसको भी करना है। तो इसके लिए अर्जुन को टॉलरेट करना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। इसलिए ड्यूटी बिना टॉलरेंस से नहीं होता है, आध्यात्मिक हो या आप घर पे रहकर सोशल मीडिया में कुछ मूवी देख सकते हैं ना, उसको छोड़ा है, इधर आके बैठ के गीता सुन रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो हैप्पीनेस को। यू अंडरस्टैंड?
तो भौतिक हैप्पीनेस और भौतिक डिस्ट्रेस दोनों को टॉलरेट करेंगे तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वी हैव टू टॉलरेट बोथ मटेरियल एंजॉयमेंट एंड डिस्ट्रेस. कभी हरे कृष्ण में आएंगे और आपका जीवन में सब उथल पुथल चलता रहे, करियर ठीक से नहीं हो रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, प्रभु जी बोल रहे गीता क्लास में आए हैं क्या? तो वो भी टॉलरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप है क्या गीता है जो घर पे प्रॉब्लम चल रहा है. ऐसा होता है ना, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते. कितने लोग एक्सपीरियंसेस, कुछ दुख है इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस को कर नहीं पाए, लेकिन स्ट्रेस के कारण और डिफिकल्टीज के कारण. तो इसलिए दोनों को भगवान क्या करते हैं, क्या कहते हैं, टॉलरेट करना है और कुछ नहीं. तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बेथिंग इन माघ और कुकिंग इन वैशाख. माघ मतलब अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो मास चल रहा है, ओके ना, ठंडी होता है तो स्नान करना पड़ता है, सुबह सुबह ठंडे पानी में स्नान करता है, करना पड़ता है. नहीं नहीं ठंडी हो रहा है अभी, क्या है थोड़ा पानी छिटका देता हूं लेकिन एक बूंद का स्नान ऐसा है नहीं, पूरा स्नान करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि क्लीन रखना है बॉडी. वैसे कुकिंग इन वैशाख, वैशाख मास में, ठीक है ना, मई जून में, अप्रैल मई जून जो भी है, ज्यादा गर्मी जो होता है, आपके सामने जाके क्या करना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है. क्यों? भूख लगता है. कुकिंग नहीं करेगा तो बड़ा पेन होगा पेट का, भूख का पेन को सहन नहीं करना है. इसलिए भूख का पेन अति बड़ा है, उससे छोटा पेन को सहन करेंगे तो भूख मिटेगा. वो छोटा पेन को सहन नहीं करेंगे तो बड़ा पेन बड़ा हो जाएगा. वो इसलिए छोटा पेन को सहन करके बड़ा पेन को दूर करना है. इसलिए संसार में सबसे बड़ा पेन क्या है, जन्म मृत्यु जरा, ये सबसे बड़ा पेन है. भगवान सबसे बड़ा आश्चर्य क्या किए हैं कि लोगों को ये अनुभव करने ही नहीं देते कि ये सबसे बड़ा पेन है. ये भी सबसे बड़ा माया है सबसे बड़ा पेन है, और सबसे बड़ा पेन को ही व्यक्ति मनुष्य अनुभव नहीं कर पाता. इसलिए भगवान को क्या बोलते, तेरा माया बहुत पावरफुल है इतना बड़ा पेन है. क्यों? क्योंकि जन्म ही हर पेन का कारण है, यू अंडरस्टैंड. और भक्ति बिना मृत्यु हो गया और एक जन्म का कारण है, और रोग और व्याधि, व्याधि और वृद्धावस्था का पेन का कारण है. इसलिए हमें बड़ा पेन को दूर करने के लिए भक्ति करना चाहिए, अदरवाइज भूखा रहेंगे तो पेनफुल लाइफ जिएंगे. भौतिक जीवन मीन्स क्या है, पेनफुल. How can one rise up to the platform of knowledge? तो ये knowledge का platform पे कैसे आएंगे हम? कैसे समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है? अब तो सुन रहे हैं, अभी सिर्फ आप सुन रहे हैं, अब जाने नहीं अभी तक. दो चीजें, मान लेना और जान लेना, अलग है. अभी आप सुन के क्या करोगे, मान लोगे हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये मान लेना है. और जान लेना मतलब अपने आत्मा को अनुभव कर दिया है, वो जान लेना है. आपने सुना आग जलाता है, जलाने के बाद पेन होता है, आपने मान लिया, आग के पास नहीं जाते, मान लेना है. लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, झटका कैसे लगता है ओके ना, उसको कहते हैं जान लेना. तो पहले मानना, और ये झटका लेना ही पड़ेगा, तो जान लेना ही पड़ेगा. तो मान लेना ही, इन्फॉर्मेशन से बुद्धिमान लोग मान लेते हैं, लेकिन जानने के लिए कुछ करना पड़ता है, आग में हाथ डालना पड़ता है, तभी जाके एक्सपीरियंस मिलता है. तो अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नॉलेज का प्लेटफॉर्म में आने के लिए, आत्मा परमात्मा उनका कंट्रोलर को जानने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए, तो प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, वो नॉलेज का प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा. उस प्लेटफॉर्म में कैसे आएंगे हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, one is to follow the prescribed rules and regulations in our life. इसलिए rules regulation को follow करना पड़ेगा. जब हम नियम मानते हैं, four rules and regulations क्या है, no meat eating,
नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये फोर रूल्स रेगुलेशंस। तो इसको फॉलो करेंगे एंड चैंटिंग हरे कृष्ण, श्रवण स्मरण सदाचार और सेवा, फोर एस को फॉलो करेंगे। तो ये नियम के अनुसार हम जिएंगे तो ज्ञान का प्लेटफॉर्म में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कभी, सिर्फ मान लेने में ही जीवन चला जाएगा। आपको जानना है तो नियम को फॉलो करना पड़ेगा, हम जान नहीं पाते क्यों, क्योंकि नियम को फॉलो नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता रहेगा आपको कि मैं आपके आपके पास एक फ्लावर लिया, अपना आपका नाक के पास ऐसा रखा और आपको सूंघने के लिए कहा, तो आपने सूंघा, फ्रेग्रेंस ही नहीं है, ठीक है नहीं। मैं बोलता अरे जबरदस्त फ्रेग्रेंस है यार, मुझे तो पूरा सुगंध उसका नंबर वन लगता है, और तुम क्या कहते हैं कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? उसका नाक बंद है, सर्दी हो गया उसको, नाक इम्प्योर है, इसलिए इम्प्योरिटी जब तक जाता है ना ओरिजिनल चीज का एक्सपीरियंस आता नहीं। मैं बोलने के बाद आप मान सकते हो हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं तो ठीक है, उसको तो सुगंध होता रहेगा, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि नाक में प्रॉब्लम। तो नाक का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उस ट्रीटमेंट को ही आध्यात्मिक जीवन में क्या कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तो भौतिक विचार जो है हमारा मन में, भौतिक भोग की आसक्ति जो है, पाप के विचार है, कर्म का रिएक्शन है, सब कुछ हमारा हृदय में भरा है, और उसको नष्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जितना पाप से दूर होता है, भोग की वासना से दूर होता है, उसको जनरली कृष्ण का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, अदरवाइज नहीं होगा। नाक बंद है आपका, दिमाग बंद है आपका, मान लेंगे आप, और माना हुआ चीज ज्यादा देर नहीं चलता है, जाना हुआ चीज चलता है। माना हुआ लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, जाने हुए लोग कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसे जितने भी कन्वर्ट हुए हैं भारत में क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में, क्यों? माना हुआ है, वो दूसरे को मान ली, उधर भी कुछ जाना हुआ नहीं है, मान ली, तो माना हुआ चलेगा तो नहीं चलेगा, इसलिए जानना पड़ेगा। तो मानना और जानना पता चल गया आपको, हम आगे बढ़ते हैं। तो की फॉर सक्सेस क्या है? की फॉर सक्सेस टॉलरेंस, दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज कितिक टॉलरेंस क्या है भागवतम में? एडजस्टमेंट। तो भागवतम में भगवान कहते हैं तितिक्षः दुःख समरसः, तितिक्षः दुःख समरसः, जीवन का दुख को सहन करना, जीवन का दुख को ग्रहण करना और ड्यूटी करते रहना, दैट इज एग्जैक्टली क्या है टॉलरेंस। और जो टॉलरेंस करता है वो आगे बढ़ता है, भगवान के भगवान का मुकुट बनना है आपको, भगवान का सेवक बनना है, तो ये टॉलरेंस के प्रोसेस ही जाना पड़ता है। कीचड़ से कलश, राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है ना, लेकिन कलश बोलते हैं आजकल, तो सोने का कलश ये सब लगाते हैं, तांबे का कलश लेता है, बट मटका का भी कलश लेता है। तो कलश कैसे बन गया, कोई कलश एक बार पूछा तू इतना मंदिर का शिखर के ऊपर कैसे बैठ गया जाके, तपस्या किया है इसलिए मैं शिखर के ऊपर बैठा है। तू अभी कीचड़ ही बना नहीं है, तू बालू है, बालू। पहले कीचड़ बन, बाद में कलश बनेगा, बाद में शिखर पे आएगा। तो कलश क्या बोलता है, मैं पहले बालू था लेकिन मुझे मटका बनाने वाला पटर, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मटका बनाते हैं कुमार, हाँ। तो कुमार के हाथ से कुमार के हाथ में पहले आना पड़ता है, और कुमार उसमें क्या है जल मिलाता है, कीचड़ बनाता है, कीचड़ बना के पैर में कूदता है, हाथ में भी कूदता है, प्रेशर से जाना पड़ता है, कीचड़ बनना पड़ता है, ओके ना। उसके बाद क्या करता है, एक गोलाकार मशीन है उसमें घुमाता है, उसके बाद शेप मिलता है, तो हो गया इतना ही करना है, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद आग में भी जलना पड़ता है, आग में जलाते रखता है, उसके बाद कलश बनते हैं, उसके बाद शिखर के ऊपर आते हैं। इसलिए शिखर में जाना इतने आसान नहीं है, धरती में बालक के रूप में रहना इजी,
ये नेचुरल है, बालू ही हम ओके ना, है ही इधर है, लेकिन शिखर के ऊपर चढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट गुरु के अधीन में रहकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग लेने के लिए क्या आवश्यकता है, टॉलरेंस, किचड़ बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, ओके ना, किचड़ बनना पड़ेगा और कठिनाई को सहन करना पड़ेगा, दैट इज आग। और उसके बाद प्रभु जी घुमाएंगे, दैट इज घुमाएंगे, किधर किधर घुमाते ना, धाम को यात्रा के लिए हम घुमा रहे हैं आपको, धाम यात्रा के लिए आ जाइए, प्रोग्राम के लिए आ जाइए, मंगलारती के लिए आ जाइए, चैंटिंग के लिए आ जाइए, आज बोईसर जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो घुमाएंगे ये चक्कर में, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये सब होने के बाद कीचड़ क्या बनता है, कलर्स बनता है और उसमें जनरली सुभित होता है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हमें क्या बनना है, कलर्स बनना। अभी अब क्या है, हम लोग कीचड़ भी नहीं बने, कीचड़ बन रहे थोड़ा, ठीक है, ओके आगे बढ़ते, लास्ट वर्स, चलो वर्स नंबर 15। तो ये सब करेंगे तो क्या होगा, कीचड़ से कलश का बात ही आ गया, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषां पुरुषर्षभः समादुःखसुखं धीरं सामृतवाय कल्पते। ओके, ओबेस्ट एमंग मेन द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड इज स्टेडी इन बोथ इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। This is the qualification. यमी नव व्यथित, जो व्यथित नहीं होता है संसार का सुख और दुख में, समा दुख का सुख है, सुख और दुख में स्थिर रहता है, समृद्ध वाय कलश बनता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, वो भगवत धाम हो जाता है, भगवान का सेवक बनता है, किसे, समा दुख का सुख हम दे, सुख और दुख में इक्वानिमिटी रहना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। तो कहना, कहने का अर्थ है सुख में हमें विचलित नहीं होना है, अपना जो स्पिरिचुअल ड्यूटी है उसको छोड़ना नहीं, और दुख में भी विचलित नहीं होना है, अपना स्पिरिचुअल ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। तो सुख में अहंकार नहीं करना है और दूसरे को ईर्ष्या नहीं करना है, दैट इज इक्वानिमिटी, समझदार, समझदार मतलब सुख में आपको मजा आएगा, ऐसा आप रसगुल्ला खा रहे, गुल्ला बटाटा वड़ा खा रहे, प्रभु जी ने दुख को सहन, सुख को सहन कर रहा हूँ, बटाटा वड़ा कड़वा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, रहेगा उसका, लेकिन नहीं, लेकिन अहंकार नहीं करना है कि मैं सुखी हूं ये दुखी, लेकिन तो इस प्रकार अहंकार को भावना छोड़ना और ईश्वर को भावना छोड़ना, दैट इज इक्वालिटी, समझता। वैसे दुख आता है तो डिमोरलाइज नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, भगवान को निंदा नहीं करना है, स्वयं को भी निंदा नहीं करना है, आजू बाजू को दोष नहीं देना है, ओके ना, भगवान का ही आशीर्वाद, सुख और दुख दोनों को भगवान का आशीर्वाद मानकर अपना दायित्व को निभाना ही क्या है, समता, इक्वानिमिटी। और इस प्रकार जीवन जो जीता है स्वामृतवाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, प्राप्त नहीं होता है, वही अमृतमय जीवन है, ऐसे जीवन हम जीते हैं तो दैट इज एग्जैक्टली नेक्टेरियन लाइफ, प्राप्त होने के बाद छोड़ दीजिए, वही एंजॉयमेंट जो है, वही जो अनुभव है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वामृत। तो प्रैक्टिसिंग टॉलरेंस विद डिटैचमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बट बिकॉज यू हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्लेजर एंड बिकॉज वी आर कंडीशन बाय दिस मटेरियल बॉडी देयरफॉर वी सीक प्लेजर थ्रू मैटर। तो ये प्रभुपाद जी का परपट है, हम मैटर के थ्रू प्लेजर क्यों सीक करते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही आनंदमय अभ्यास है, हमें आनंद चाहिए, हमारा नेचर है, इसलिए हम संसार में जो भी करते हैं मैटर के थ्रू प्लेजर ढूंढते हैं, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका नेचर है, कोई मान लो बेवड़ा है, कोई बेवड़ा है, यू अंडरस्टैंड ना, अचानक गलती से स्कूल में आ गया है, अचानक ऐसा आ गया है तो स्कूल में क्या ढूंढेगा वो, शरणामृत पीते टाइम बोलेगा ये दारू ये क्या पिएगा, उसको दारू को ढूंढेगा क्योंकि बेवड़ा है, पहले उसको दारू में मजा आता है, कहां पर भी पानी दिखेगा तो बॉटल दिखेगा, ये सरसों का तेल का बॉटल दिखेगा, बोलेगा ये कौन सा ब्रांड का दारू है रे, क्यों
पहले से वो एक्सपीरियंस है, ओके, इसलिए ढूंढेगा। वैसे ही हम बेवड़े हैं, स्पिरिचुअल बेवड़े, कृष्ण का प्रेम का बेवड़े, कृष्ण का आध्यात्मिक सुख का हमने अनुभव किया है, इसलिए संसार में किसको भी देखते ना वही सुख को ढूंढते हैं। पीने के बाद पता चलता है, अरे ये तो सोसो का दिल था, ये बटन इधर है, इसलिए देख रहा हूँ, मैं दारू सोचकर पी गया, बाद में पता चलता है अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि संसार में सब लोग बेवड़े हैं, भगवान का प्रेम करने वाले बेवड़े, ओके ना, तो इस प्रकार का रस पान के हैं, इसलिए संसार में सब रस को ढूंढते हैं और मिलता नहीं अलग बात है। और प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि इसका कारण, मेन कारण क्या है, कि हमें आनंद चाहिए, वो अमृत चाहिए, अमृत को हम ढूंढ रहे हैं। और अमृत को प्राप्त करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल जीवन को प्रैक्टिस करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपको अभी कैसा फीलिंग हुआ क्लास खत्म होने के बाद? उसको कहते हैं अमृत वायु कवि, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।